रूस भारत का अब तक का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। आज 60% हथियार भारतीय बेड़े में रूसी है, पर पिछले कुछ दशकों में मेनली 2014 यानी मोदी जी के पीएम बनने पर भारत का पलटा अमेरिका की तरफ झुका है। भारत ने अमेरिका के साथ काफी डिफेंस डील करी है, पर अमेरिका और रूस की दुश्मनी काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। अगर एक सिचुएशन आ जाए जब भारत को अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना हो, तो भारत को किसे चुनना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। अमेरिका और रूस में सदियों से तनाव चला आ रहा है। खुले तौर पर दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, पर भारत की बात करें तो भारत के दोनों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है, पर ये पहले से ऐसे नहीं है। शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान के युद्ध से। टाइम था 1965 का। इस समय पाकिस्तान की मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों ही इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी। भारत अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की वजह से भारत को युद्ध करना पड़ गया। भारत के पास उस समय ढंग के हथियार तक नहीं थे। रही सही, अमेरिका ने चुपचाप पाकिस्तान को हथियार दिए, जिससे भारत की हार लगभग तय हो गई थी। मगर भारत को भी नए हथियार लेने थे, इसलिए भारत ने सोवियत यूनियन से हाथ मिलाया। सोवियत यूनियन से मिले हथियारों और हमारे बहादुर जवानों के कारण भारत ने इस युद्ध को जीता। फिर 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर पहले वाली सिचुएशन थी बिल्कुल, पाकिस्तान फिर से अमेरिका के मेन बैटल टैंक के चलते भारत पर हैवी हो रहा था। रही सही, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को भारत पर अटैक करने के लिए भेज दिया। ऐसे में रूस ने बिना कोई टाइम जाया करे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन के बेड़े को भारत की रक्षा के लिए भेज दिया, और अमेरिका चाइना ब्रिटेन को धमकी तक दे डाली कि अगर वो भारत पर हमला करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका और उसके अलाय कंट्री को न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा। साथ ही भारत को ऐसे वेपन भी दिए जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान के मेन बैटल टैंक को डिस्ट्रॉय किया, और भारत ने इस युद्ध को भी जीता। तब से अब तक भारत ने रशिया के MiG-21, MiG-25, MiG-27, MiG-29, Su-30 MKI, Mi-18, Mi-21, Mi-35, कामों और कई मिसाइल सिस्टम को भी खरीदा, जिसके चलते भारत आज इतना पावरफुल है। पर भारत पिछले कुछ सालों में रूस से दूर जा रहा है और अमेरिकन वेपन को खरीद रहा है। फिर चाहे वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हो, चिनूक हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर हो, C-130J सुपर हरक्यूलिस या C-17 ग्लो मास्टर हो, भारत धीरे धीरे अमेरिकन बेड़े में जा रहा है। पर क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए? क्योंकि अमेरिका केवल अपना प्रॉफिट देखता है, और इसी प्रॉफिट के लिए अपने अलाय कंट्री तुर्की पर भी सैंक्शन लगा दिए। पर भारत का रूस को छोड़ना अमेरिकन वेपन को खरीदने का कारण उनके रिलायबल होना है। रूस के हथियार बेशक काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट और पावरफुल होते हैं, पर ये रिलायबल बहुत कम होते हैं, जिसके चलते काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो वो है डिपेंडेंसी। भारतीय बेड़े में 60% रूसी हथियार है। अनफॉर्चुनेटली अगर कभी फ्यूचर में रूस के साथ कोई तनातनी होती है तो रूस इन वेपन की मेंटेनेंस बंद कर सकता है, स्पेयर पार्ट को अवेलेबल नहीं कराएगा, जिसके चलते हमारे सभी वेपन ग्राउंडेड हो जाएंगे। तीसरा कारण है रूस चाइना के रिलेशन। जो हथियार भारत को देता है रूस, वही हथियार चाइना को भी देता है, जिससे भारत को चाइना पर कोई एज नहीं मिलती, जिससे हम चाइना से कभी वेपन के मामले में आगे नहीं जा सकते। तो भारत इन कुछ कारणों से रूस से दूर जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि भारत अमेरिकन बेड़े में क्यों जा रहा है और भारत को किसके साथ रहना जरूरी है, तो अगला पार्ट जरूर देखें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।